हे हाय, आ गई तुम? परफेक्ट टाइम पे आई हो। मैं मस्त अदरक वाली चाय बना रहा हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं चाय रेडी कर देता हूँ। इतनी सारी हिस्ट्री याद ही कैसे रहती है? वो हिस्ट्री भुला ही नहीं पाते। सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल रोहन, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूं। तुम ये बताओ ना, चाय कैसे बनी है? चाय तो अच्छी बना लेते हो तुम। तो क्या बोलती हो, तुम्हारे ऑफिस के सामने खोल दूं चाय की टपरी? सो फनी। फिर कृणाल जैसे स्टूडेंट्स का क्या होगा मिस्टर टाइमलाइन? कृणाल? ये कृणाल कौन है? हमारी ऑफिस में एक टाइपिस्ट है कृणाल, ही रिलीजियसली फॉलोज योर लेक्चर्स ऑन यूट्यूब एंड ही इवन शोड मी हाउ मेनी कमेंट्स एंड ऑल यू गेट। काफी फेमस हो चुके हो आप मिस्टर टाइमलाइन। तुमने सारी कमेंट्स पढ़ी? नहीं, मतलब सारी नहीं, ऊपर ऊपर से बस। इतना टाइम कहाँ है? सो आज डिनर में क्या खाएंगे ये बताइए। तुम जो खिलाना चाहो मैडम, आज तो क्रिकेट मैच देखते हुए डिनर करेंगे। बैंगलोर जीतेगा आज, विराट। कोई चांस ही नहीं है, धोनी जीतेगा। सीएसके लास्ट आईपीएल में सीएसके सेवेंथ पोजीशन पे था, याद है ना? घायल शेर है पूजा, पास की गलतियां नहीं दोहराएगा। आई विश ऐसा ही हो। पापा, वो आज आईपीएल का मैच है, मैंने सोचा कि आप मैच ये टैबलेट पे देखेंगे ना, तो एकदम टीवी वाली फील आएगी। रहने दे, नहीं देखना तेरे टैबलेट पे। पर ये टैबलेट मेरा थोड़ी है, ये तो माँ का है। माँ ने आपको बर्थडे पे गिफ्ट किया था ना, जो आपने खोलकर देखा भी नहीं क्योंकि मैंने ऑर्डर करवा के दिया था। एक बात बोलूं पापा, इस टैबलेट में ना माँ ने आप दोनों के फोटोग्राफ्स भी डलवाए हैं और आपके फेवरेट सॉन्ग्स भी। मैं यहाँ बाहर रख देती हूँ, आप देखना चाहें तो ले लीजिएगा। Oh no. Shit.
मॉर्निंग। ओह थैंक गॉड तुम उठ गए। ये लो अपना मोबाइल और जल्दी से मेरा फोन रिचार्ज कर दो। कितना कॉम्प्लिकेटेड है तुम्हारा फोन, और कल मैंने तुम्हें मेरा केवाईसी अपडेट करने के लिए कहा था, वो भी तुमने नहीं किया। आई कंप्लीटली फॉरगॉट। आज तुम्हारा केवाईसी पक्का अपडेट कर दूंगा। वैसे यही वजह थी या और किसी वजह से मूड खराब है मैडम का? रोहन देयर इज अ कंप्लीट मेस आउटसाइड। वहां जोनल ऑफिस में इतने केसेस, इतने डेथ्स देख देख कर मैं परेशान हो गई हूँ। सिचुएशन इज वर्सनिंग डे बाय डे एंड आई एम फीलिंग रियली हेल्पलेस। ऊपर से आज रश्मि मौसी का कॉल आया, शी इज ऑल्सो डिटेक्टेड पॉजिटिव। अरे बाप रे, रश्मि मौसी भी? इफ आई एम नॉट रॉन्ग उन्होंने तो कोरोना के दोनों डोज ले लिए ना? हो गए थे दोनों डोज पर। अरे ठीक है ना, फिकर नॉट माई कोरोना वॉरियर, दोनों डोज लड़ेंगे ना कोरोना से, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? नहीं रोहन, दिस इज नॉट अ जोक, सीरियसली कोरोना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। एंड ऑल वी कैन डू इज मेक न्यू सर्कुलर्स एंड फॉलो देम, दैट्स इट। सेकेंड वेव इज बिकमिंग प्रिटी टफ। कम हियर, यू आर डूइंग योर बेस्ट, आई कैन सी दैट, एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी। अच्छा तुम कल कहीं गए थे क्या बाहर? मैं? नहीं, मैं कहीं नहीं गया। हाँ वो गोड्डी को मिलने गया था बस, और कहीं बाहर नहीं गया। मतलब कल तुम पूरा दिन घर पे थे फिर भी मेरा केवाईसी अपडेट नहीं किया? अरे बाबा दिमाग से निकल गया, सॉरी, कहा ना, आज पक्का करवा दूंगा, प्रॉमिस। ठीक है चलो मैं चलती हूँ अब। रोहन प्लीज कहीं बाहर मत जाना। ठीक है, आई एम वरिड। ओके बाबा, नहीं जाऊंगा। बाय बाय, टेक केयर। मैं ना तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ, स्पेशली तुम्हारी टीचिंग स्टाइल की। तुम जो हिस्ट्री पढ़ाते हो ना, फैब। वो क्या था तुम्हारा, भांडा फोड़ बुधवार, फैब। पता है अपने यहाँ पे ना हिस्ट्री को बहुत बोरिंग सब्जेक्ट समझते हैं। वैसे गलती स्टूडेंट्स की भी नहीं है, हिस्ट्री को बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ाया जाता है। एग्जैक्टली इसलिए मैं कोई ना कोई नई टैगलाइन या करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बना रहे। वैसे गवर्नमेंट स्कीम ऑफ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी क्या है पता है तुम्हें? इट्स वेरी ओल्ड पॉलिसी ऑफ इंडिया। नो। अच्छा मेक इन इंडिया तो पता होगा? हाँ मेक इन इंडिया तो पता है, मतलब एटलीस्ट नाम तो सबने ही सुना होगा। एग्जैक्टली दोनों सेम पॉलिसी है, बरसों से यही चला आ रहा है, पुरानी बॉटल पे नई पैकेजिंग। नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू। सो फैक्ट्स को अगर थोड़ा मॉडिफाई करके स्टोरी फॉर्मेट में समझाया जाए तो हिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग बन सकती है। मैं बस वही ट्राई करता हूँ। राइट मिस्टर हिस्टोरियन बाबा। कब से फॉलो कर रही हो तुम मुझे? फॉलो नहीं कर रही, वो एक दिन है ना मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च कर रही थी तो रैंडमली एक चैनल का रिव्यू आया, थंबनेल पे तुम्हारा फोटो था तो मैंने पूरा रिव्यू देख डाला, तब सुना था ये नाम। 2015। तुम जिस रिव्यू की बात कर रही हो वो 2015 में आया था। अब तो मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, नाउ इट्स कॉल्ड मिस्टर टाइमलाइन।
वो तो पता है मुझे, मिस्टर टाइमलाइन। यू नो व्हाट, तुम ना एकदम छा गए दोस्त। ये दोस्त वर्ड पे इतना स्ट्रेस देना जरूरी है मोनी? वो एक सेकंड, मैं जी भैया। मैम आपकी डिलीवरी है रिलायबल स्टोर से। सॉरी, रिलायबल स्टोर? मैं कुछ समझी नहीं, मैंने तो विश्वास चाचा की दुकान से मंगवाया था शायद कुछ। मैम मैं वहीं से आ रहा हूँ, हमारी शॉप का नाम अब चेंज होकर के रिलायबल सुपर स्टोर हो गया है। अब तो हमारा ऐप भी है मैम, आप वो डाउनलोड कर दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम आपको कुछ भी मंगवाना हो तो आप वहीं से मंगवा सकते हैं। अच्छा, थैंक यू मैम। थैंक यू भैया। रोहन, राइट यू वर, पुरानी बॉटल में नया पैकेजिंग। सोच रहा हूं हमेशा के लिए वापस आ जाऊं। विजू के यहां रहने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी हरकतों के बारे में सुना मैंने। मेरी हरकतें? मैंने क्या किया पापा? सुना है मोनिका वापस आ गई। अच्छा, मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं पापा। रोज फ्रूट की डिलीवरी हो रही है ये भी नहीं पता? बोल गया सब? नहीं पापा। हाँ पापा, नहीं पापा। तूने संजीव कुमार की फिल्म देखी है, पति पत्नी और वो? नहीं पापा। देखना, एंड में हीरो की क्या हालत होती है वो जरूर देखना। हाँ पापा। हाँ पापा, ना पापा। क्यों गया था वहां? वो तो मैं बस ऐसे ही, उसे कुछ हेल्प की जरूरत थी तो एज अ फ्रेंड बस। एज अ फ्रेंड? पूजा को पता है? नहीं। शाबाश बेटा। पापा मैं पुरानी सब बातें भूल चुका हूं, सच कह रहा हूं। वी आर जस्ट फ्रेंड्स नाउ। बाप हूं तेरा। तेरा चेहरा देख गुलाबी हो चुका है। पापा आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं सच कह रहा हूं, आप ही गलत समझ रहे हो। मैं गलत समझ रहा हूं? अभी भी तुम्हारे मुंह से यह नहीं निकल रहा है कि सॉरी पापा दोबारा नहीं जाऊंगा। आर्ग्यूमेंट किए जा रहे हो बस। एक बात समझ ले, दो नाव में पैर रखोगे ना तो डूबोगे। तुम्हारी सारी हरकतों के बारे में मुझे पता रहता है। और एक बात समझ लेना बेटा, दुनिया में किसी और से डरो ना डरो, तुम्हारे बाप से बिल्कुल डरना। Yes, sir. Where are you lost? We want figures of bed in your community center. Sure, sir. Sir, available beds are 45 out of 350. And ventilators नहीं है. Oxygen भी बस दो दिन चले उतना ही बचा है. Vaccination center पे बहुत सारी inquiries आ रही है. अच्छा. Demand raise कर दी है, but we'll have to do something about it. ठीक है. चैतल, आप एक काम करो, आप IT cell से बात करो. और ये मैसेज दो कि जिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है सिर्फ उन्हीं लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, और उन लोगों को बताइए कि सभी को ये मैसेज फॉरवर्ड करें। सॉरी टू इंटरप्ट सर, बट सेंटर पे जो रश है, मोस्ट ऑफ देम आर अनएजुकेटेड, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मेनी ऑफ देम आर अबव 40 एंड वुमेन।
तो SMS, प्री रजिस्ट्रेशन ये सब उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, हम गली गली जाकर मोबाइल वान के द्वारा मैसेज पास ऑन कर देते हैं कि जिन जिन लोगों ने ये रजिस्ट्रेशन करवाया है उन्हीं लोगों को ये वैक्सीन मिलेगी। डू इट ASAP। यस। ठीक है, और कोई सजेशन? नो सर। ओके, नाउ मीटिंग इज ओवर। थैंक यू सर। पूजा जी सर, आप मुझे मेरे केबिन में आके मिलिए। श्योर, मे आई कम इन सर? प्लीज कम इन। पूजा बैठो। पूजा, इज एवरीथिंग फाइन? दो तीन दिन से देख रहा हूं यू आर लॉस्ट समवेयर। घर पे सब ठीक है ना? यस सर, एवरीथिंग इज फाइन, डोंट वरी। कुछ भी दिक्कत हो, तकलीफ हो, प्लीज लेट मी नो, आई विल हेल्प यू। श्योर सर, थैंक यू सो मच। कृणाल? यस मैम। मैम कैसी रही आपकी मीटिंग? वैसी ही जैसी हर मीटिंग होती है। तुम बताओ, तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस कैसी चल रही है? मैम बहुत बढ़िया चल रही है, इस बार पक्का हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, अपना हाथ आगे करो। क्यों मैम? करो तो सही। अरे नहीं मैम, मैं मैनेज कर लूंगा। बोला ना, रख लो। मैं मैनेज कर लूंगा। आई नो यू नीड इट। सैलरी आते ही रिटर्न कर देना। ओके, थैंक यू मैम। ओके। हाँ पापा, नमस्ते। बेटा कैसे हो आप? कैसा चल रहा है आपका काम? मैं ठीक हूँ पापा, पर सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। या आई अंडरस्टैंड। लेकिन बेटा एक काम तूने बहुत अच्छा किया, सबके दूसरे डोज लगवा दिए सिवाय वो इडियट रोन के। अब वो भी क्या कर सकते हैं पापा, अब 18+ का वैक्सीनेशन ही कल से शुरू हो रहा है। लगवा देंगे उनका भी, डोंट वरी। लेकिन बेटा आप उसे कहो घर पे रहे, उसे समझाओ कि बाहर कितना खतरा है। घर पे ही रहते हैं पापा वो। हाँ, फिर भी आप उसे टोको, समझाओ उसे, हमेशा घूमता रहता है बाहर। ठीक है पापा, समझा दूंगी। वैसे एक बात कहूँ, बहुत गिल्टी फील होता है मुझे। ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ दूं और सिर्फ आप लोगों के पास आ जाऊं। टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ आप लोगों को, और मेरी वजह से ही आप लोगों को विजय भाई के घर पर रहना पड़ रहा है। बेटा ये सब कचरा तुम्हारे दिमाग में कौन भर रहा है? रोहन ने कुछ कहा क्या? बेटा ऐसा नहीं सोचते, हम सबको तुम पर नाज है। पक्का ना पापा? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल पक्का बेटा। ऐसी गलत बातें नहीं सोचना, ठीक है? और हाँ बेटा, तुम ध्यान रखो उस रोहन पर, हमेशा घूमता रहता है। चेक रखो थोड़ा, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है पापा। साला कौन हो सकता है ये सीनियर सिटीजन का नेटवर्क, इतना तगड़ा कब से हो गया बे? वो वर्मा काले तो नहीं बताया होगा? अरे मोनिका आई है ये, उनको एक बार पता चल भी जाए। मैं उसके घर जाता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन उनको किसने दी होगी? छुप छुप कर मिलने जाएगा तो सबको डाउट हो ही जाएगा ना। छुप छुप के? व्हाट डू यू मीन बाय छुप छुप के? मैं क्या बुर्का पहन के जाता हूँ या भेष बदल कर जाता हूँ? अरे इज्जत से चल के आता हूँ यार उसके घर, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? अरे बाबा ऐसी बात नहीं है, देख कोविड का सेकेंड वेव चल रहा है, सब फिर से घर पर है, सबकी नज़रें घड़ी रहती है सोसाइटी पर, तो पता चल जाता ना। अरे तो मैं क्या करूँ, कोविड के डर से उससे मिलना तो नहीं छोड़ सकता ना। अच्छा यार रोहन, पूजा को पता चलेगा ना तो फिर बहुत। पूजा को पता चला तो सबको पूजा की पड़ी है। देख मेरी लाइफ है, मैं किससे मिलूंगा, किससे बात करूंगा, ये मैं डिसाइड करूंगा, पूजा नहीं। पापा भी आकर सुना कर गए पूजा को पता चला तो, तू भी पूजा पूजा कर रहा है। अरे कोई मेरे बारे में सोच लो यार। देख मैं मोनिका से मिलूंगा, और इसके लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, पूजा की भी नहीं। जिसको जो सोचना है सोचे यार, आई डोंट केयर, ये मेरी लाइफ है, मैं अपने हिसाब से।
सात्विक फूड. दिस इज अ होममेड मसाला ब्रांड जिसके बहुत सारे न्यूट्रिशियस और इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि कड़क चाय मसाला, गोल्डन मिल्क मसाला, पराठा मसाला. इसकी वेबसाइट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है. यू कैन चेक द वेबसाइट, यू कैन फॉलो देम ऑन इंस्टाग्राम फॉर वेरियस रेसिपी ऑफ फूड्स एंड न्यूट्रिशन एडवाइस. गाइस, दिस इज जस्ट बिगिनिंग. ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए एवरी मंथ लेके आएंगे. सो प्लीज कमेंट अस आपको कैसा लगा. अगर आपको अच्छा लगा है तो भी लिखिए, बुरा लगा है तो भी लिखिए, बिकॉज आपके सजेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है. प्लीज प्रेस लाइक एंड डू शेयर द वीडियो इफ यू लाइक इट. और प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि नेक्स्ट एपिसोड आते ही सबसे पहले आपको खबर मिले. ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. सी यू सून गाइस.